अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार वनीला स्पंज। इसके लिए हम आज टी कप यूज़ करेंगे मेजरमेंट के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेजरमेंट कप्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टी कप का इस्तेमाल किया है ताकि आपको बेकिंग करने में आसानी हो। इस तरह का एक टी कप ले लिया है मैंने। वनीला स्पंज की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ब्लेंडर में हम अंडे डालेंगे। यहाँ मैंने 4 अंडे लिए हैं। इसको वन बाय वन हम तोड़ेंगे और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल, 1 कप शुगर। अब इन दोनों की मेजरमेंट मैंने इसी टी कप से की है। यहाँ पे हम वनीला एसेंस ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब इस मिक्सचर को हम एक बाउल में डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल स्पून का इस्तेमाल किया है। जिनके पास मेयरिंग स्पून्स नहीं है उनको प्रॉब्लम ना हो। और इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है। नमक इसमें ऑप्शन है, आप चाहें तो ना डालें, लेकिन मुझे चूँकि पसंद है इसलिए मैंने इसमें डाला है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसी मेयरिंग टी कप से आप मैदा ऐड करेंगे। इस मैदे को मैंने छान लिया था। 2 कप मैदा हमने ऐड करना है। पहले हम 1 कप डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम दूसरा कप ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। इसको कट करना है, फोल्ड करना है, कट करना है और फोल्ड करना है। अब यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है। इसको मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। इस पे हम बटर पेपर लगाएंगे और इसके ऊपर भी हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इस बैटर को हम इस मोल्ड में डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से मैंने इसको अच्छी तरह से लेवल कर लिया है और इसके बाद हम इसको 5 से 6 दफ़ा टैप करेंगे ताकि जितनी भी एयर है वो निकल जाए। इसको मैंने 10 मिनट्स के लिए रेस्ट दिया था। इसके बाद क्योंकि हम बग़ैर ओवन के बना रहे हैं, पतीले में बना रहे हैं, तो पहले मैंने पतीले को अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। इसके बाद मैंने इसको मोल्ड कर रखा और इसको 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक किया है। यहाँ पे मैंने इसे चेक किया है, बहुत क्लीन निकला है। ये हमारा वनीला स्पंज तैयार है। मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कि कितना सॉफ्ट स्पंज तैयार हुआ है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट स्पंज तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मज़ेदार स्पंज। मज़ेदार।